हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इन डाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे लाइव आ जाएं, सुबह के 8 बज चुके हैं। इस समय हम लोग डेली जो है ना पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नहीं बोल सकते इसको, हम लोग टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। डेली हम लोग इस समय सुबह 8 बजे टेस्ट देखते हैं। तो सभी बच्चे लाइव आ जाए। आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जी। 15 क्वेश्चन में से मुझे उम्मीद है कि जो इस चैनल का रेगुलर पेड स्टूडेंट वाले स्टूडेंट होंगे वो 12 प्लस एनी हाउ सोल्व करेंगे। और इतना तक मैं कंफर्म भी बोल सकता हूँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 15 आउट ऑफ 15 भी जो है करेक्ट करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री में बिहेवियर ऑफ गैस का टेस्ट लगाने वाले हैं। इसका पूरा थ्योरी आप लोगों को करवा दिया गया है, ठीक है ना। और पेड ग्रुप में पूरा जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया गया है। और ये आपको मैं बता दूं कि पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारामेडिकल में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सभी लोग टेस्ट को लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो पेड वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये आपको कहाँ गया जी, हाँ ध्यान से देखिएगा। ये आप लोग को जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया था, पीडीएफ जो प्रोवाइड कराया गया है और बिहेवियर ऑफ गैस का पूरा जो है फॉर्मूला के साथ में पूरा नोट्स बना करके ये सभी स्टूडेंट पढ़ के आए हैं ना। बिहेवियर ऑफ गैस का पूरा नोट्स जो आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है, ये वाला सब दिया गया है पेड वाले ग्रुप में, ये सभी स्टूडेंट पढ़ के आए हैं ना। जो स्टूडेंट पूरे अच्छे तरीके, देखिएगा पूरा फॉर्मूला का भी लिस्ट यहाँ पे दिया गया था पूरा डिटेल्स में, और न्यूमेरिकल भी सभी करवाया गया है। जो स्टूडेंट इसको पढ़ करके आए होंगे वो स्टूडेंट आज टेस्ट में अपना जलवा दिखा देंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं आपको ये सारा जो है करवाया गया था, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। देख सकते हैं पूरा पीडीएफ इन लोगों को प्रोवाइड कराया गया था। तो सभी स्टूडेंट पढ़ के आए हैं ना, एक बार अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मेजोरिटी दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट होगा है लास्ट में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आज आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक का जो है जो आज क्लास टेस्ट है वो 71 नंबर का टेस्ट है जी। ऑलरेडी 70 टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके हैं, तो सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो एक बार यस, एक बार अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे 10 सेकंड का टाइमर डिस्प्ले होगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलूंगा। और आपको ये जो टाइमर दिख रहा है, टाइमर के जो मैं आपको सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम डिसाइड करूंगा, उसी टाइम के अंतर्गत आपको जो है आंसर देना है, ठीक है ना। और सभी लोग वीडियो को लाइक एक बार कीजिए। सबसे पहले 10 सेकंड समय दिया जा रहा है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको 10 सेकंड का टाइमर आएगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सभी लोग बनाइएगा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको दो मिनट समय दिया गया है, चलिए बनाइए सभी लोग। टाइम स्टार्ट हुआ, सभी स्टूडेंट बनाइएगा। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, चलिए बनाइएगा सभी लोग। वैसे आप लोग को बता दो कि बहुत ये सभी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, तो टेस्ट लेना भी जरूरी है आप लोग का। बनाइए सभी लोग। एक गैस है जिसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 700 mm Hg दाब पर 200 ml आयतन घेरती है। समान ताप पर यदि दाब को 1000 mm Hg तक बढ़ाया जाता है तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, गैस का नियम से सभी जो फॉर्मूला जो सब करवाया गया है ना, वो सारा फॉर्मूला यूज कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट उसका यूज होने वाला है जी, P1 V1 / T1 / P2 V2 / T2, वही से तो बन जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है।
ट्राई कीजिए सभी लोग, सभी चीज दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट्स आंसर चाहिए मुझे। चलिए 35 सेकंड और बचा हुआ आपका। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। जिन जिन स्टूडेंट का ऑप्शन डी आ रहा है 140 ml, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये अपना जलवा दिखा दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाले करेक्ट आंसर हो जी, कैसे करेक्ट आंसर हो वो चीज को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको गिवन कितना है, पहला प्रेशर कितना गिवन है जी, 700 ml HG है, 700 गिवन है। दूसरा प्रेशर कितना गिवन है, कितना तक जाता है, 1000 ml HG तक, 1000 है, ठीक है। भीवन कितना गिवन है, भीवन गिवन है वॉल्यूम, सॉरी भीवन, हाँ भीवन कितना है, 200 ml आयतन तक है दाबना, ठीक है। भीवन कितना गिवन है, जो गिवन है वो जो दिया हुआ वो लिख लीजिए पहले, भीवन गिवन है 200। V2 कितना गिवन है, V2 तो कुछ गिवन नहीं, V2 हम लोग को जो है ना निकालना है, ठीक है ना। V2 बराबर भाट हो गया, तो गैस का आयतन निकालना, उस हमको V2 बराबर भाट हो गया। T1 कितना गिवन है जी, T1 देखिए, T1 नहीं गिवन है, तो आप कितना गिवन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो जनरल होता है 273 प्लस 25 ऐड कर दीजिए, 273 प्लस 25 से सारा चीज करवा दिया गया, 273 प्लस 25 क्या हो गया, 5 × 298 हो गया, 298 हो गया। T2 कितना गिवन है, T2 भी हो जाएगा 273 प्लस 25 कर दीजिए, यह भी हो जाएगा 298, ठीक है ना, 298, क्योंकि ये गैस टाप है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिएगा, सब गिवन है, तो गैस का नियम से हम लोग क्या जानते हैं, P1 V1 by T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 by T2 हम लोग जानते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, P1 कितना हो जाएगा, 700 × 200, T1 कितना हो जाएगा, T1 यहाँ पे 298 है, और P2 कितना है, P2 यहाँ पे 1000 × V2 बराबर T2 कितना है, 298 है। ये से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो V2 यहाँ से निकाल दीजिए, V2 बराबर क्या हो जाएगा जी, ये 200 से ये 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 7 × 2 = 14, 14 पे एक जीरो और आ जाएगा, 140 ml में आ जाएगा, V2 जो आ जाएगा 140 ml, जो कि ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है ना, मात्र एक आपको समय दिया गया है, एक मिनट दिया गया है, बने ऐसे लोग, टाइमर स्टार्ट हुआ है। टाइम अप हुआ। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर 3.42 ग्राम पर लीटर आ रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, 3.42 ग्राम पर लीटर वाले करेक्ट आंसर हो जी, ठीक
ठीक है ना, कैसे करेक्ट आंसर वो चीज को समझते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 5 वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया का घनत्व निकालना है, ठीक है ना, अमोनिया का घनत्व निकालना है। हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एसटीपी पे, एसटीपी पर अमोनिया के एक मोल, अमोनिया के एक मोल का आयतन कितना होता है, एक मोल का आयतन आयतन जो होता है 4.97 होता है, 4.97 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया का हम लोग घनत्व निकालना है, अमोनिया का डेंसिटी, अमोनिया का घनत्व निकालना है, घनत्व निकालना है। तो घनत्व क्या हो जाएगा, अनुभार जो दिया हुआ है, अनुभार बटा क्या हो जाएगा, 4.97 अनुभार कितना है जी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अनुभार निकालने के लिए अनुभार कैसे निकल जाएगा, अमोनिया यानी एन कितना होता है, 14। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक होता है, 3 हाइड्रोजन, 14+3 यानी 17, यानी कहने का मतलब 17/4.97 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन लग रहा होगा कि 4.97 कैसे आया, तो ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अमोनिया के एक मोल का आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे अनुभार कितना अमोनिया का है जी, 17 है, तो 17 ग्राम को डायरेक्ट निकाल दीजिए, पीवी बराबर गैस के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, एनआरटी जानते हैं। तो यहां से हम लोग वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पी, वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा जी, एनआरटी अपॉन पी आ जाएगा, एनआरटी अपॉन पी हो जाएगा। एन कितना है, एक मोल पे एक हो गया, एन का वैल्यू, एन आर कितना होगा जी, आर का वैल्यू आप लोग को जो फॉर्मूला मैं आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड कराया था उसमें देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, आर का वैल्यू एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, आर का वैल्यू जो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे कितना होता है जी, वो होता है 0.0821 होता है, 0.0821 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है एटीएम पर मोल इनवर्स के माइनस वन होता है, यानी 0.821 यानी 1 × 0.0821 गुने क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कितना है 273 होता है ना, 273 प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐड कर दीजिए यानी 303 हो जाएगा लगभग। तो 303 को 300 भी लेकर के चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, यानी 536 यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम जो आ जाएगा, वी का वैल्यू आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 4.97 के अप्रोक्स में आ जाएगा, 4.97 के अप्रोक्स में आ जाएगा। हम लोग अमोनिया घनत्व निकालना है, तो अनुभार होगा 17/4.97, इसको जस्ट सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो जो आएगा ना वो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 4×12 यानी 4×16 = 25 यानी कहने का मतलब 3 जो आएगा, सॉरी 3 में आएगा 3.42 आ जाएगा, ठीक है ना, 3.42 ग्राम आ जाएगा, याद कर लीजिए, वो बन गया, ठीक है, ऑप्शन में है ना 3.42 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया घनत्व निकालना है, अमोनिया घनत्व निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अनुभार बटा वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, अनुभार बटा वॉल्यूम, मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दिया था, अनुभार बटा वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम अनुभार बटा वॉल्यूम होता है। तो अमोनिया यानी NH3 होता है, N14 हाइड्रोजन के एक होता है, हाइड्रोजन यानी 3 हाइड्रोजन यानी 3 हो गया, 14×3=17 हो गया, यानी कहने का मतलब 17 अणु पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे निकाल दीजिए, तो पीवी बराबर NRT हम लोग जानते थे, यहाँ से वॉल्यूम निकाल दीजिए, NRT/P हो जाएगा, N कितना है, 1 है, 1 मोल पे निकालते हैं, और क्या है R का वैल्यू एटमोस्फेरिक प्रेशर पे याद करने के लिए आप लोगों को दिया गया था, इम्पोर्ट महत्वपूर्ण बिंदु में दिया गया था, ध्यान से देखिएगा, R गैस स्थिरांक R का वैल्यू 0.0821 होता है, ठीक है ना, गुने 30 कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री है, तो 30 नहीं लिए हैं, 273 होता है, तो 273 में 30 ऐड कर दीजिए तो 303 होता है, तो अप्रोक्सीमेट में 300 लिए हैं, यानी 300 अपॉन कितना हो गया जी, यहाँ पे पी कितना है, प्रेशर 5 वायुमंडलीय दाब है, यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी वॉल्यूम आ गया 4.92, और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आपको ये आ जाएगा, जो आंसर आ गया 17/4.97 3.42 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। आइए, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है, ज्यादा समय नहीं दिया गया है, मात्र एक मिनट समय दिया गया है। बनाएगा सभी लोग, एक मिनट समय दिया गया, सभी स्टूडेंट बनाएगा। बीस डिग्री टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन वॉल्यूम क्या हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। एक मिनट नहीं जी, इसको दो मिनट समय दूंगा, एक मिनट और समय दूंगा, क्योंकि इसमें निकालने में टाइम लगेगा। चलिए, नहीं भी इतना समय नहीं दूंगा, बनाइएगा, एक मिनट ही काफी है। बनाइए सभी लोग, सब पेड ग्रुप में सारा जो है कंटेंट प्रोवाइड करा दिया गया। पेड वाले स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं ना जी। चलिए, ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 106.8 ml। जिन जिन स्टूडेंट का आ रहा है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे, क्या क्या गिवन है? T1 गिवन है 273, और सॉरी 273 तो होता है ना, टेम्परेचर कितना है, तो 20 डिग्री तो ऐड कर दीजिए, 200 यहीं पे ऐड कर देता हूँ, 273 प्लस 20 ऐड कर दीजिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 273 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 293 हो जाएगा। 293 क्या आ गया, केल्विन में आ गया ना, बिल्कुल केल्विन में आ गया। चलिए, यहाँ तक तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम को निकाल लेते हैं, V1 बराबर क्या हो जाएगा, 100 ml दिया हुआ है। दूसरा टेम्परेचर T2 कितना गिवन है, वो चीज़ को देखिए, T2 गिवन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी केल्विन में कर लीजिए, 273 प्लस 40 कर दीजिए, यानी 313 केल्विन आ गया। और हमको क्या निकालना है, आयतन यानी V2 निकालना है। V2 बराबर भाट, गैस का नियम से हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, चार्ल्स का नियम से, चार्ल्स का नियम में जो होता है प्रेशर कांस्टेंट जो होता है उसमें क्या जानते हैं, V1 upon T1 = V2 upon T2 जानते हैं। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू 100 ml है, T1 का वैल्यू कितना है, 293 है, V2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, T2 का वैल्यू कितना है, 313 है, T2 का वैल्यू कितना है जी, 313 हो गया। यहाँ से V2 का वैल्यू निकाल दीजिए, 100 × 313 / 293 ई क्या आ गया, ml में आ गया। इसको कटम कुटम कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर आएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा, 106.8 ml आ जाएगा। ठीक है ना, 106.8 ml, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है बनाने में, बताइएगा सभी लोग, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट समय दिया गया है। चलिए, बनाइएगा सभी लोग, एक मिनट समय दिया गया, सभी स्टूडेंट बनाइएगा। सभी स्टूडेंट को बनाना है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्निंग करना है। ताप एवं दाब के समान स्थितियों में एक ही संदृत बर्तन में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के विसरण के वेगों का अनुपात निकालना है। हाइड्रोजन एंड क्या है, चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप इस क्वेश्चन के लिए। जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है ना, 4:1, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या है जी, ताप एवं दाब, ठीक है, स्थितियों में एक ही सांद्र एक ही बर्तन में डाला गया हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन कहने का मतलब R हाइड्रोजन बटा R क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, ये विसरण के नियम से फॉर्मूला आपको सब लिखाया गया है, क्या हो जाएगा, M / MH हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 16 32 यानी 32 अपॉन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 1 2 2 यानी 2 हो जाएगा, 32 अपॉन 2 यानी कहने का मतलब रूट अंडर 16 अपॉन 1 हो जाएगा, 16 अपॉन 1 कहने का मतलब 4:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गैस का विसरण नियम से भी आपको करवाया गया है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, गैस के अपेक्षित घनत्व तथा अनुभार ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया गया था, ठीक है ना। R1 / R2 बराबर रूट अंडर D2 / D1 तथा उसी को R1 / R2 को M2 / M1 में कर देते हैं, और ये आपको पता होगा कि गैसों के मिश्रण को पृथक करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बॉयल के नियम के अनुसार उत्तर चुने। इस क्वेश्चन के लिए मात्र जो है समय आपको दिया जा रहा है, ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा है, मात्र 17-18 सेकंड। बताइएगा सभी लोग, वाइल्स के नियमानुसार सही उत्तर चुनना है आपको, वाइल्स के नियम के अनुसार सही उत्तर आपको चुनना है। गड़बड़ नहीं करना है, चलो बताइएगा। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन सी भी प्रोपोर्शनलिटी टू 1/T, जहां टी क्या हो गया, बाल्टी में क्या बोला गया था जी, वाइल्स का नियम में आपको क्या बोला गया था, आपको जो ट्रिक बताया गया था बाल्टी से याद करने के लिए बताया गया था ना, बाल्टी यानी वाइल्स का नियम में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी भी प्रोपोर्शनलिटी टू 1/P हो जाएगा, ठीक है ना, जबकि टी हो गया कांस्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गैस के विसरण का नियम का प्रतिपादन कौन किया था, सभी लोग आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 17 सेकंड समय दिया गया है, सभी लोग आंसर दीजिए, गैस के विसरण का नियम का प्रतिपादन कौन किया था, गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन कौन किया था, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ग्राहा ने, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ग्राहम से ला का है, ग्राहम का इसी को द्वारा दिया गया था, फ्यूजन ऑफ फॉर्मुलेटेड, ये जो दिया गया था कब दिया गया था, एक्सपेरिमेंटली किया गया था जी, ये गैस का विसरण का नियम जो है ना ग्राहम के द्वारा दिया गया था, और ये दिया गया था 1848 में, ठीक है ना, 1848 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, गुणात्मक समानुपात का नियम किसने खोजा था, इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 15 सेकंड समय दिया गया, सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। गुणात्मक समानुपात। चलिए टाइम अप। गुणात्मक समानुपात का नियम का खोज किसने किया था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जॉन डाल्टन, ठीक है ना, जॉन डाल्टन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, चलो बताइएगा, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन, 22 सेकंड समय दिया गया जी, सब लोग आंसर दीजिएगा, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जो ऑप्शन बी बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, हाइजेनबर्ग, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था, इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये क्वेश्चन है, गैस के विसरण की दर क्या होती है, गैस के विसरण की दर क्या होती है। चलिए टाइमर स्टार्ट हुआ, सब लोग आंसर दीजिएगा, गैस के विसरण की दर क्या होती है जी, सब लोग आंसर दीजिएगा, गैस के विसरण की दर क्या होती है, चलो आंसर दीजिए। टाइम अप। जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो सेवंथ नंबर क्वेश्चन नंबर आप लोग मेंशन कीजिएगा, ये सेवंथ नंबर नहीं होगा और ज्यादा होगा तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबरिंग मैं क्वेश्चन जहां तहां से सेलेक्ट करके आप लोग के लिए लाता हूं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर को ध्यान नहीं देना है, आप लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना। आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV=nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है जी वो आपको बताना है। गैस स्थिरांक का मान जो है निर्भर किस पे करता है। 19 सेकंड समय दिया गया आप लोगों को, चलो आंसर दीजिएगा गिवन टाइम में। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है माप की इकाई पर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। स्थिर दाब पर क्या होता है, स्थिर दाब पर क्या होता है जी, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो क्या होता है बताइएगा। बताइएगा जहां भी क्या है गैस का आयतन है, टी क्या है टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, और टी के क्या है टेम्परेचर केल्विन में है। टी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, और टी के जो दिया हुआ है ना वो टेम्परेचर केल्विन में। सभी लोग आंसर दीजिएगा, ये सभी आपको थ्योरी के साथ में करवाया गया भी गया है। टाइम अप हुआ, टाइम अप जो स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। भी प्रोपोर्शनलिटी टू टी के, यानी भी वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनलिटी टू क्या है और टेम्परेचर के है, वो भी केल्विन स्केल में, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं, इस क्वेश्चन को बताइएगा। सही गैस का इक्वेशन कौन सा है जी, ये तो सभी लोग बता देंगे, इससे दो तीन न्यूमेरिकल भी देखें। चलो आंसर दीजिएगा गैस का इक्वेशन, ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, आंसर दीजिए सभी लोग। गैस का समीकरण कौन सा है, टेम्परेचर, चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप टाइम अप। इस क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन नहीं बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। P1V1 / P2V2 = T1/T2 होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है मात्र 19 सेकंड समय दिया गया है। हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है जी, सभी लोग आंसर दीजिएगा। टाइम अप टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जो स्टूडेंट ऑप्शन सी बोल रहे हो हीलियम, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए जो गैस यूज किया जाता है वो गैस कौन सा है, हीलियम गैस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गैस स्थिरांक आर का मान जूल प्रति डिग्री मोल में क्या होगा। गैस स्थिरांक का मान आपको बताना है जूल प्रति डिग्री मोल में, और ये सभी जो है आपको जो करवा भी दिया गया है। टाइम स्टार्ट हुआ, सॉरी चलिए स्टार्ट हुआ। टाइम अप टाइम अप। जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है 8.314 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूजन नहीं करना। देखिएगा ये पूरा PDF में आपको सारा आपको जो है ना इम्पोर्टेंट चीज मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो फॉर्म जो थ्योरी वाला पूरा जो करवाया गया है ना, देखिए इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। देखिए इससे भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया हूँ, ठीक है, आगे भी बता दूँ। देखिए यहाँ से भी न्यूमेरिकल ही बनाया हूँ ना, और देखिएगा M2/M1 से, देखिए यही पूछ रहा है ना जी। देखिएगा इससे भी न्यूमेरिकल बनाया हूँ, STP पे कितना होता है, ये वाला वैल्यू पुट करके अभी इससे पहले वाला न्यूमेरिकल बनाया था। आपसे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ध्यान से देखिएगा, गैस स्थिरांक R का मान जूल प्रति डिग्री मोल में क्या होगा। देख सकते हैं
जूल प्रति डिग्री मोल में जो होता है वो यहाँ पे क्या है जी, जूल प्रति डिग्री मोल में देख सकती है ना। पूरा सही मैं देखिए हाईलाइट करके दिया हूँ ना, यही सब जितना हाईलाइटेड कैल है वो सारा याद करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना नोट्स में हाईलाइटेड कैल है सारा याद करना। देख सकते क्या होता है, 8.314 जूल मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं 8.314, और चूंकि यहाँ पे भी 8.314 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाए थे वो इस पे बनाए थे, बार एटमोस्फेरिक प्रेशर, ई वाला पे एटमोस्फेरिक प्रेशर पे लेकर के बनाए थे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज जो है आपको याद करना पड़ेगा, पूरा इस जो है नोट्स को, थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाईलाइटेड सब कर दिया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का यूज किया जाता है। जो कहीं कहीं अगर देखते हैं चमकीला, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो चमकीला जो यूज किया जाता है ना विज्ञापन में, वो कौन सी गैस यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो आपको बताना है। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, नियॉन, जेनॉन, ऑर्गन, हीलियम, कौन सा गैस होता है जी चमकीला जो होता है वो आपको बताना है। टाइम अप हुआ, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए बोल रहे हो ना, नियॉन गैस, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल दो, ठीक है ना। नियॉन गैस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी लोग बताइए कि ये 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट आंसर हुआ, यहाँ पे नहीं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं सभी का कमेंट को रीड करता हूँ, उसके बाद ही उसको किसी तरह का जो है ना डिस्टर्बेंस मुझे लगता है कि इसमें और ग्रोथ चाहिए, तो वहाँ पे उनको सजेस्ट करता हूँ कि ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और पेड कोर्स जिन जिन स्टूडेंट को ज्वाइन करना है 8544-6153-52, ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मात्र 399 में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का कंप्लीट PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, अब रिविजन करने का टाइम आ गया है, देर मत करें, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, जिन्हें कॉलेज जाना है पढ़ करके कॉलेज चले जाएंगे, इसीलिए टेंशन नहीं लेना, स्टडी कीजिए, सिलेक्शन होगा, हर हाल में होगा, बस मेहनत कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।